उन्हों का नजरिया ते अकीदा ये होंदा आई कि जेड़ा कुछ असा कर रहे हैं इन्हों का इलम इन्हों के कोलो मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे पाक पैगंबर इन्हों का जेड़ा ये गलत अकीदा है और गलत नजरिया है उस दी तुसा इस तरीके नाल वंड बनाओ, इन्हों अपने मालिक की मार्फत पहचान कराओ, इन्हों ये दसो कि बई कदें ही भी अल्लाह पाक का इलम नहीं मुक सकता और कदें ही भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत जिहड़ी है वह नहीं मुक सकती, कदे खत्म होने विच नहीं आ सकती। हत्ता के अगर पैगंबर का इलम है वह भी एक वक्त के अंदर आके खत्म हो जाता है, पैगंबर के अंदर ताकत है वह भी एक वक्त के अंदर आके खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक ने इो जहाँ हज़ारा मिसाल कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाई है। चंद मिनट अगे आके जी आयत मुकद्दसा मैं थोड़े सामने तिलावत की इंशाअल्लाह इस मसले का बयान हो सी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे पाक पैगंबर अगर उम्मत नो शिरक को बचावने ही मैं अल्लाह की जात का मुतारिफ करावने ही मैं छुपे हुए अल्लाह की जात का अगर इन लोगों को पता लग सकता है ये मिट्टियाँ पूजना छोड़ सकते हैं, घोड़ियां दी पूजा अगर मेरा पैगंबर छोड़ सकते हैं, दुल दुल दी पूजा अगर मेरा पैगंबर छोड़ सकते हैं, वो तो दो ही जरिए हैं कि इन्हें मार्फत ते पहचान इस बात ही कराओ कि मेरा पैगंबर इन्हें आख दे सब तो उड़ी उच्ची शख्सियत होंदे तो अल्लाह दे पाक पैगंबर होंदे, बा सोहनिया सिफतां ते सोहने कमाल के मालिक होंदे तो मेरे पैगंबर होंदे, मगर अल्लाह फरमांदा है असा उन्हां दा तज़करा कुरान पाक के अंदर ता ही कीता है ताकि हर छोटे बड़े इंसान पता लग वे जिथा खुदा की जात का मुआमला आ वे उथा पैगंबर भी कोई हैसीयत मकाम नहीं रखता, जिथा पैगंबर का मुआमला आ वे उथा उमती कोई हैसीयत मकाम नहीं रखता। जदा एतदाल इंसाफ हर एतदाल के मुताबिक इंसान उसको रख सी अल्लाह करीम फरमाते कदे भी खुदा का बागी नहीं बन सकता, पैगंबर की शरीयत का मुखालिफ नहीं हो सकता। पैगंबर की शरीयत का मुखालिफ बंदा उदो होंगे कि जहाँ पैगंबर दे उस रब के कुरान छोड़ देता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जदा कुरान मुकद्दस के अंदर आके जाति मरे से कुरान पढ़ से कुरान की तिलावत कर से उस दिन तेन खालक ते मखलूक के अंदर फर्क सब तो दो नजर आ सन कि ना मुकन वाला इलम भी मेरे अल्लाह पाक की जात का और ना मुकन वाली ताकत भी सिर्फ केड़ी जात दी है। हुण मेरे ख्याल तुहानू मिसाल नाल समझावी है, नाराज तो नहीं हो बैठे, सारे बोलो तो सही, खैर बने कुरान पाक जो मिसाल बयान करिए, क्योंकि मैं एक वक्त के अंदर साढ़े इन मौलाना अब्दुल वारिस रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्ताद हैं, मैं दो एक महीने उन्होंने मदरसे में पढ़ने वास्ते आया, हम कोई इम्तिहान देना आई तो उन्होंने मदरसे मैं हाजिर होया। इत्थे बाबा अब्दुल्ला जान जदा इत्थे मस्जिद नमाज पढ़ेंदे हैं, दो नमाजा मैं उन्होंने पिछे अलहमदुल्ला इत्थे पढ़िया और एक जुम्मे का खुतबा भी मैं उन्होंने एन टाइम आके सुने आई। मैनू हुण बंदे शक्लां दसेंदे मैं तो मैनू याद आते हैं कि उन्होंने हाथ के अंदर एक कुल्हाड़ी आँदी है जिस टाइम वो खुतबा देंदे हैं, वह ही आन ना और तुसा उन्होंने नहीं पहचान दे और बाबा अब्दुल्ला वो है ना जेडे हाथ के अंदर कुल्हाड़ी लैके बाबा खान बाबा आई माशाल्लाह गैरतमंद जुर्रतमंद। अज अलहमदुल्ला तुसा असा लोग अगर कुरान मैं सुना रहा तुसा सुन रहे हो तो अलहमदुल्ला मेहनत उन्होंने बजुर्गों की है, अल्लाह पाक उन्होंने कब्रा मुनवर फरमावे, आमीन तो आखो खैर होने। बाकी मेरे भाई जिद का इलाज उका कोई नहीं, नुकते चीनी का इलाज उका कोई नहीं, तो इस वास्ते जेड़ा नजरिया घिन के आए हो कम अज कम कुरान पाक को अच्छे तरीके नाल गौर फौज नाल सुनो। जिस बंदे भी कुरान पाक को रूह नाल सुने कुरान पाक की खासियत है कि दिल दियाँ अंदर दियाँ कलियाँ चीर के ही बंदे दे अंदर वड़ वैंदा है, जे जदा कुरान की मुहब्बत रच जावे इंसान दे अंदर पिछे बिलाल दे सीने दे उते अगर कोई अग भी सटेंदा रह वे वो सीना तो खत्म हो सकता है पर कुरान की अजमत नहीं खत्म हो सकती। थानू भी अलहमदुल्ला कुरान अल मुहब्बत है कि नहीं, सारे कुरान अल मुहब्बत है, मस्जिद बैठे हो हुण शुरू करी अल्लाह तौफीक नाल। बस मैं अलामा साहब के आवन को पहले सिर्फ तुहानू दो गल्लां दसां, अगे पिछे भी मैं इंज शुरू करन लगा तो उतों अमीर साहब तशरीफ गिने, चलो मैं हुण चाहना कि ये दो लफ्ज़ जिहड़े इन्हां तुहानू बयान कर छोड़ा। एक ज़हन च रखो कि खालिक और मखलूक के दरम्यान सब तो वड्डा फर्क क्या है कि उस दा इलम कदे मुक सकदा, शाबस बोलो सारे, उहदा इलम कदे मुकण विच
ओदी ताकत कदे मुकण विच, हर कहीं दी ताकत मुक सकदी है, हर कहीं दा इल्म मुक सकदा है, मगर अल्लाह दे ला युही तू न बेशई मिन इल्म ही इल्ला बिमा शा, जितना के मैं चाहवा उसनु इल्म दे देवा, जे अगर मैं न चाहवा तो पैगंबर को भी इल्म आ सकदा नहीं। हुण मिसाल सुनो, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما। अल्लाह करीम फरमांदा है, ए मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह अको सल्लल्लाहु, अल्लाह दे प्यारे महबूब नू अल्लाह मिसाल नाल मसला समझा रहे है। आलम लोग तो उन भी समझ लेंदे, मगर जड़े जट लोग हैं उन्हां नू अल्लाह मिसाल दे के कुरान पाक दे अंदर मसला समझाया है, ताकि इन्हां लोगों नू अल्लाह करीम दी मारफत पहचान खुले आम हो जाए, किदाई दरबारां दे उते ना फिरदे रह जावेन, किदाई मिट्टी दे बने हुए खुदावां दे उते ना भुलदे रह जावेन, या मदफून शुदा बजुर्गों के अगे कि नहीं अपना हाथ न जोड़ी खलोते हो, इन्हों अल्लाह लेलान पता लग वे जो साड़ी बद्दी छुट्टी का मालिक तो सिर्फ कौन है। इस वास्ते अल्लाह करीम फरमाते, साडो उस जात नु मारो कि जिथा थोड़िया ताकत मुकन उतो दे असबाब शुरू हो जाए, जिथा थोड़े इलम मुकन तो उतों अल्लाह करीम की जात का इलम शुरू हो जाए। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया, थोड़े तो मेरे अंदर फर्क भी कि थोड़े असबाब जो मुकदे तो तुसा भी मुक वेंदे हो, जदा थोड़ा इलम मुकदा है तो तुसा भी सारे खत्म हो जाते हो, अगला रस्ता थानू नज़र नहीं आता। इस वास्ते अल्लाह करीम ने मिसाल नाल मसला बयान फरमाया, अल्लाह फरमांदा है वलम ए मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस वक्त आए मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह को उतराए मेरे रसूल भेजे हुए फरिश्ते, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे दिल दे अंदर करण दी सिख बनी वधी ही कि जदन बंदा शादी करेंदे अमूमन अल्लाह पाक दी कुदरत दा निज़ाम है कि साल बाद दो बाद त्रै बाद जदन भी अल्लाह चाहता है तो बंदे नूं औलाद नसीब फरमा देंदा है, मगर अल्लाह दे पाक पैगंबर 86 साल उम्र गुजर गई है, मगर हाथ भी अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनी झोली विच पुत्र जैसी नेमत पैदा कर सकया। शाबस बोलो ना सारे। अगर पैगंबर दे वस दे अंदर होंदा, अगर पैगंबर दे अंदर जाती कमाल होंदा, अगर पैगंबर दे अंदर ताकत होंदी, एक पुत्र नहीं 18 पुत्र पैगंबर दे हो वेंदे। इस वास्ते जदा अल्लाह दे पैगंबर दे दिल दे अंदर सिख बनी वधी जो अल्लाह करीम पुत्र च देवेया, वल तां जो अल्लाह करीम फरमांदे मेरा पैगंबर एक दियार साडी रहमत जिहड़ी मौजा मारियां ठाठा मारियां, ते अल्लाह करीम फरमाया बनो मेरे फरिश्ते हो, एक कौम वास्ते बन के अजाब मुसलत च करो, ते एक पैगंबर नु बन के खुश खबरी सुना दो मेरे पैगंबर, ओ मेरे फरिश्ते हो जाके। अल्लाह करीम फरमांदा, जेड़े वेले आए बिल बुशरा कालू सलामा, जेड़े वेले आए ते अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नु आदन अस्सलाम अलैकुम, इथा एक मसला समझी वने, जेड़े वेले बंदा दे अस्सलाम अलैकुम सलामती ते अमल दी जरूरत उन्हां नु होंदी है जेड़े बंदे मजबूरुल हाल होंदे न, ओ इन्ना सलामतियां ते अमना कोलो महफूज है ते सिर्फ एक अल्लाह दी जात है। इस वास्ते आमन नाल कुरान मसला ए प्या समझाइंदा है कि जदन भी अल्लाह दे मुअज्जद फरिश्ते आए उन्हां पैगंबर को सलाम दिता है ते पैगंबर उन्हां को सलाम दिता है, मगर तेरे कोलो तो 4-8 ने अगर ज्यादा आवन तो तू गरीब दा सलाम करन वास्ते तैयार नहीं होंदा, थुक्कां सट के निकलदा है, आकड़ नाल निकलदा है, तकब्बर ते फखर ते गुरूर नाल निकलदा है, मगर अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे सब तो वड्डी उच्ची
इबादत अल्लाह करीम दे दरबार दे अंदर, नमाजा भी जन्नत विच कोई नहीं पढ़निया, रोजे भी कोई नहीं रखने, जन्नत दे अंदर काई काम नहीं आवना। जदा बहिश्ती बहिश्तियां को मिल सन सिर्फ इयो कुछ आखसन अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम। इस वास्ते मेरे भाईओ, भावे कोई अमीर होवे, भावे कोई गरीब होवे, भावे कोई वड्डा होवे ते भावे कोई छोटा होवे, उसनु आख्या कर अस्सलाम अलैकुम। एंदा आख सुना सारे, वो अगे ही तो सलाम भलेंदे हो ना, मगर असा दे दे हैं जेड़ा चोखा बंदा होवे तां उनू उच्चा करके सलाम देने हैं, जेड़ा गरीब होवे तां उसनू असा माड़ा जिहा सलाम कर दे हैं। चलो खैर बहरहाल, अगू अल्लाह करीम फरमांदा काल सलाम फमा लबसा, जेड़े वेले अल्लाह दे पाक पैगंबर इन्ने सलाम दा जवाब भी देंदे वेंदे ते नाल टुरदे भी वेंदे, जेड़े वेले सलाम दा जवाब दिता ते अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाएन, अल्लाह दे पैगंबर जेड़े वेले घर दे अंदर वड़े, अल्लाह करीम फरमांदे अपना डांद ज़बा करके भुन पका के उंदियां परातां भर के ते अल्लाह दे पाक पैगंबर उन्हां फरिश्तियां दी खिदमत दे अंदर गिने। इत्थां मसला ए समझाया है, अक्सर बंदियां दी आदत होंदी है जेड़े मेहमान चोर आउंदे न, यानी मेहमानां नूं खवावणा नहीं चाहुंदे, जेड़े वेले मेहमान उठण लगदा ते उस वेले उन्हां आदन चाह पाणी हो वञे तेरा, जेले मेहमान उठन लगदा उस लिहाजन मियाँ तेरा चाह पानी हो जावे। मगर अल्लाह करीम फरमांदा है जेड़े वेले मेहमान आया ते इन्हें सलाम भी करदे गए ते अल्लाह दे पैगंबर टुरदे भी गए, वन के उन्हां दी खिदमत दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने चंगा भला दांद ज़बा करके उन्दे चैपल भुन पका के ते अल्लाह दा पैगंबर इन्हें सामने घिन के आ गया है। अल्लाह करीम फरमांदा जेड़े वेले सामने आए फलम इथा ही मसला जरा तेन समझावना चाहता कि ना मुकन वाला इलम भी मेरे अल्लाह करीम दा, ते ना मुकन वाली ताकत भी मेरे अल्लाह करीम दी। पैगंबरां दे इलम भी मुक वेंदे न, औलिया अल्लाह दे इलम भी मुक वेंदे न, हर किसे दियां ताकतां मुक वेंदियां न। अगर ताकत ते इलम नहीं मुकन भी चाहता तो सिर्फ अल्लाह दी जात दा मुकन विच। ओ तौहीद अगे सुनदे रहंदे हो ना, नाल नाल बोलेंदे आओ, अल्लाह दे कितने कमाल हैं, बोलो ना शाबाश। उन तो अल्लाह मियां दे सिफतां ढेर सारी हैं ना, मगर जेड़ी खालिक ते मखलूक दे अंदर मेन फर्क बयान किया गया वो दो चीज़ें, कि ना मुकन वाला इलम भी अल्लाह दा और ना मुकन वाली ताकत भी। बोलो शाबाश यार, असा थोड़े मेहमान हैं, थोड़ी साड़ी पहली मुलाकात हुई है, कम अज कम को अच्छे तरीके नाल तो मिलो, सिर्फ थोड़े सिर मारन नाल हलावन नाल इयो कुछ पता लगता रहा सी कि तुहानू कोई गल समझ आती पई है। होर फायदा थोड़ा अपना है। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह करीम फरमांदा फलम्मा रा आईदियहुम ला तसिलु इलैहि नाकिरहुम, जेड़े वेले उन्ना परात अग्गां दिक्की ते फरिश्तियां परात पिछा कीती, अल्लाह फरमांदा नाकिरहुम दिल दे अंदर मेरा पैगंबर डर गया, दिल दे अंदर मेरा पैगंबर डर गया। पैगंबर दा इलम ता मुका जदा हन ता फरिश्ते मगर बशरी तकाजे ना लाए, नूरी मखलूक जेड़ी ओ खावन कोलो भी पाके ते पीवन कोलो भी पाके, मगर जेड़ा बशर है उन्हों खावन दी भी जरूरत है, उन्हों पीवन दी भी जरूरत है, शादी ते खुशी ते गमी दी जरूरत है, धुप ते छां दी जरूरत है, मगर जेड़ी नूर दी जात है इन्हां तमाम चीज़ां कोलो पाके। इस वास्ते अल्लाह करीम फरमांदा है इलैहि नाकिरहुम, दिल दे अंदर मेरा पैगंबर डर गया, डरिया तां जदा पैगंबर दे अंदर ताकत भी मुक गई है ते इलम भी मुक गया जो पहचान नहीं सके। अगू अल्लाह फरमांदा औजसा मिनहुम खीफा, जेरे वेले दिल दे अंदर डर पैदा हो गया अल्लाह दे पाक पैगंबर दे, पता नहीं अल्लाह जाने खरिया ते जो मेरे अज घर दा पक्का होया है खांदे नहीं, जिवें रिवायात दे अंदर आंदा है कि अगे दे वेले दे जेड़े चोर होंदे हन जेड़े घर दा नमक खा लवे ना उस घर दी चोरी करेंदे, जिस घर दा नमक खावे ना उस घर दी चोरी नान कर दे। इस वास्ते अल्लाह दे पैगंबर दे दिल दे अंदर डर आ गया है कि नहीं साढ़े घर दे चोर तो नहीं। इस वास्ते अल्लाह करी मसला है समझावना चाहता है कि लोगो मेरा पैगंबर भी क्यों ना होवे, आखिर ओहदा इलम भी मुक सकता है, अगर नहीं मुकन विच आंदा तो सिर्फ अल्लाह दी ज़ात दा इलम मुकन विच।
नहीं आता। वल्लग वल्ला करीम दा कुरान पा के फरमाता है, हजरत साहब के मत्थे दे उते पसीना आया, पसीना तां आंदा है जदा बंदे दा जोर मुकदा ते बंदा घबरा वेंदा है। इस वास्ते अल्लाह करीम ने मसला समझाया, हत्ता कि जदा हन भी अल्लाह दे भेजे हुए मुकर्रर ते मुअज्जद फरिश्ते, मगर पैगंबर नूं बशरी तकाज़े दे विचों ही पता नहीं लग सका। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया, ला युही तू नबिशई मिन इल्मी, ए मेरा पाक पैगंबर, मैं जितना कई नूं इलम दे देवां उस तो ज्यादा किसी को भी इलम नहीं आ सकता। ला युही तू नही, मेरे इलम कोई हाथा नहीं सकता, मेरे इलम का कोई मेरा पैगंबर मुकाबला नहीं कर सकता। ता अल्लाह करीम ने मसला फरमाया, जेड़े वेले वो फरिश्ते आए थे उन्होंने अगुआ कहा, हजरत साहब थानू डरन की जरूरत। हूँ पैगंबर तसली कौन पे दें दें? कौन पे दें? फरिश्ते अल्लाह दे, अल्लाह दे पाक पैगंबर वादन, कालू ला तखफ इन्ना उरसलना इला कौम लूत। जनाब थानू डरन की जरूरत कोई नहीं, घबरावन की जरूरत कोई नहीं, खौफ करन की जरूरत कोई नहीं। असा जो आया है असा कौम लूत नू तबाह ते बर्बाद करन वास्ते आया, तेरे वास्ते असा खुश खबरी गिन के आया है। एक गल इत्थे समझ आ गई ना कि पैगंबर दा इलम मुकिया ता पैगंबर को उन्ना फरिश्तियां दा इलम तां बन के उन्ना अपना वच्छा जड़ा है गाबा जड़ा है वह जबा करके उन्हां दी खिदमत दे अंदर गिन है। उन्हें आखिया मियाँ असा तो फरिश्ते हैं, असा खावन को क्या है पाक है। और जेड़े अल्लाह पाक ने सोने ते मुअज्जज़ फरिश्ते बना के भेजे, चूंकि पैगंबर काफ़ी दिनों तो आदा वधा है कि अल्लाह मैनू पुत्र दे, अल्लाह सोहने जवान बना के भेजे ताकि मेरे पैगंबर दे दिल दे अंदर होर हसरत पैदा हो वे, मैं अल्लाह पाक को मंगे ते वत अगली जड़ी कौम आई वह छोरों की आशिक आई। इस वास्ते अल्लाह होर उन्होंने खूबसूरत बना के भेजा ताकि उन्होंने इम्तिहान हो जाए, तो हज़रत इब्राहिम खलील उल्लाह नूं तां बना के भेजे ताकि पैगंबर के दिल के अंदर मंगण की सिख जिहड़ी है वह अगे नालों ज़्यादा हो जाए। यानी मालूम होंदा कि जदा पैगंबर नूं भी पुत्र की जरूरत होवे तां पैगंबर कहिंदे कोलों खड़ा मंगदा है। शाबाश बोलो सारे है। तो जदा पैगंबर नूं जरूरत बन वे जिन्हों अल्लाह खुद भेजदा है वह भी अपनी झोली से अपना दामन अल्लाह की जात के अगे फैलांदा है। जदा तू उमती हो के उन्होंने कोलों बन के मंगदा है जिन्हों का जनाजा भी असा खुद पढ़ाया है, जिन्होंने असा कफन भी खुद दिता है, उन्होंने दफनाया भी असा आप है, और खुद उन्होंने जात वास्ते असा दुआ मंगी अल्लाह करीम को कि अल्लाह अल्लाहुम्मा मग़फिर ले हज्जना व मय्यतना, अल्लाह साढ़े जिंदियां नूं भी माफ़ करते सारे मई भी। हुण अपने ईमान नाल दस पैगंबर दा जनाजा वो कोई नहीं ना, क्योंकि पैगंबर की कोई इमामत करा सकदा। औलिया अल्लाह दे जनाजे हैं कि नहीं? यार तुसा बुलंदे क्यों नहीं? नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर। तुसा सारे मनदे हो कि औलिया अल्लाह दे जनाजे पढ़ाए गए कि नहीं पढ़ाए गए? शाबाश सारे बोलो। तो जिदा अल्लाह के औलिया के जेड़े वो दोस्त हैं उन्होंने जनाजे पढ़ाए गए तो तुहाड़ा कोई मौलवी साबित कर सकता है जो उन्होंने वास्ते कई अलग दुआ है? बोलो शाबाश। कोई मौलवी अल्लाह के पाक पैगंबर जेड़ी दुआ सिखाइए वो सहाबी वास्ते भी उवा दुआ है, ताबी वास्ते भी उवा दुआ है, इमाम और मुजतहिद वास्ते भी उवा दुआ है, हर वास्ते बंदा आदे अल्लाहुम्मा मग़फिर ले हय्यना व उडू। असा अगर मैयत आ दें तो साकू आ दें तुसा वे गुस्ताख है औलिया अल्लाह हो। आप खुद जल्ले जनाजा पढ़ते क्या थे अल्लाहुम्मा मग़फिर ले हय्यना व मैयत आप आखे कि नहीं सा क्या? या फिर आखे कि भी पैगंबर अपना औलिया अल्लाह के जनाजे हो रहे उन्होंने वास्ते दुआ कुछ हो रहे, जबकि पैगंबर के लफ्ज भी इे कि अल्लाहुम्मा मग़फिर ले हय्यना व मय्यतना। तू खुद उसनों मय्यत आखदा कल है, खुद उसनों मुर्दा बनाया ही। तो जे अगर कोई असा सरैकी दे विच आ दें कि वफात पा गए तू आ अल्लाह हौला वाला कुवत इल्ला बिल्ला, ये गुस्ताख है रसूल हैं, ये औलिया दे गुस्ताख हैं। इस वास्ते मेरा भाई अगर पैगंबर की वफात नू वफात आखना गुस्ताखी है,
अगर औलिया की वफात न वफात आखना गुस्ताखी है तो वत खुदा की जात की कसम है सब तो पहला गुस्ताख अल्लाह का कुरान बन सही। हूँ ये गुस्ताख है ना या अल्लाह के कुरान गुस्ताख है? बोलो शाबाश। अल्लाह का कुरान आदे कि इज हाजर याकूब अल मौत, कि जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम दे उत्ते के हाजिर हो गई मौत का लफ्ज़ कहें बोले है? अल्लाह ऐलान मौत का लफ्ज़ कौन पे बोलें दे? सारे बोलो ना यार शाबाश। जबकि कुरान आदे कि इज हाजर याकूब अल मौत इज काल अल बनी मा ताबुदून मिन बादी, अल्लाह दा पाक पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दो मसले बयान फरमा दिते। एक मसला तो अल्लाह ने यह समझाया कि अगर आज 14वीं सदी का मौलवी आखदा कि पैगंबर दे उते लफ्ज मौत बोलना गुस्ताखी है, औलिया अल्लाह दे उते मौत दा लफ्ज बोलना गुस्ताखी है, वह पर्दा वटा गए, वह बुरका पा के चले गए, तो तैनू मनना पोसी कि अल्लाह का कुरान सब तो वड्डा माज अल्लाह गुस्ताख है। व तैनू तो गुस्ताख असा मगर अल्लाह की जबान को असा गुस्ताख नहीं आख सकते। इस वास्ते अगू अल्लाह का पैगंबर क्या दे? माताबुदून मिन बादी, ओ मेरे बेटे मेरी वफात के बाद तुसा कहिंदी इबादत करे सो? अगर पैगंबर नू मर वंजन के बाद अपनी औलाद का पता होंदा तो खुदा की कसम पैगंबर इंज ना आदा कि माताबुदून मिन बादी मेरे बाद इबादत कहिंदी करे सो? मालूम होंदा कि मर वंजन तो बाद पैगंबर का इलम भी खत्म हो जाता है, वह जड़ी जिंदगी वाली सकत ते ताकत है वह भी खत्म हो जाती है। अगर मौत को पाक तो सिर्फ एक अल्लाह की जात पाक है। गाल समझेंदे पे नहीं समझेंदे पे हैं? इस वास्ते देखो औलिया हन हत्ता के सारी कायनात दा सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आया है तो उसनू भी ओदे जमातियां ने शरीयत दे मुताबिक अपनी कब्र मुकद्दस दे अंदर के कर दिता है? दफन कर दिता है। तो जो है ना अल्लाह दे पाक पैगंबर ने के फरमाया मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुसा इबादत कहिंदी करे सो? उस वक्त सारे पुत्र जड़े हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे उन्ना यक जबान हो के आखिया मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका, असा इबादत करे साए उस दी जिस दी इबादत तुसा करें दे आयो, जेंदी इबादत तुसा। तो मालूम होंदा कि पैगंबरां ने भी अगर पूजे है तो सिर्फ केड़ी जात नू पूजे है? अल्लाह दी जात नू पूजे है। इस वास्ते उम्मती नू भी चाहिए कि जदन ही सड़ मारे तो केड़ी जात नू मारे। हुण अगला मसला सुनो, जेड़े वेले अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्हां नू मसला जट्टां नू पढ़ के सुनाओ। अल्लाह दे पाक पैगंबर खुश खबरी पै देंदे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नू, बेटे दी तू तो मोया दी कबर ते वन के मंगदा है मगर वह जिंदा पैगंबर है जिस दा वक्त दा कोई मुकाबला कर सकदा। सब तो वड्डी उच्ची शख्सियत होंदे न तां सिर्फ अल्लाह दे पाक पैगंबर होंदे न, मगर वह भी अल्लाह करीम के दरबार के अंदर मंगते रहे मंगते रहे, आखिरकार अल्लाह ने खुश खबरी दे दी। हूँ अगू अल्लाह करीम फरमाद जी गल तेन समझावना चाहता वमरा तू औरत जी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की घर वाली वो ये गल सुन दी खली आई गल सुन के तो आखन लगे कायमतुन खलो के गल खड़ी सुन दी आई फरिश्तियां भी तो उदू अपने घर वाले की भी नाल गल खड़ी सुन दी है। माई साहबा वल आखन लगी उन्हें फरिश्तियां भी तो अल अपने घर वाले भी आखन लगे के आखन लगे फजा हे कत फबशरना बेसाक, जिदा उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी पिछे याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो वह माई साहबा अल्लाह करीम के दरबार के अंदर आखन लगे कालत या वैलता आना अजूजन, आखन लगी हाय काश मेरे हाँ बेटा किवें पैदा हो सी, आना अजूजन मैं डाढ़ी कमजोर हाँ, जदा मेरे घर वाले दी उम्र 86 साल हो गई है मैं भी बुढ़ी ते कमजोर हाँ ते मेरा घर वाला भी 86 साल दी उम्र ते पहुँच चुका है। हुण दसो पैगंबर भी कमजोर ते पैगंबर दी घर वाली भी, अपना इजहार आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मगर अल्लाह करें फरमांदा है इत्थे आ के मेरे उस इब्राहिम खलीलुल्लाह दी ताकत खत्म हो चुकी है,
क्योंकि असबाब उवे होंदन के जवानी दे अंदर जदा बंदा शादी करेंदा है मेल मिलाप दे असबाब होवन ता बेटा पैदा होंदा है बेटियां पैदा होंदियां जदा असबाब खत्म हो जावे हर कोई ना उम्मीद हो वेंदा है कि हुण इन्हां दे हां कदे औलाद पैदा हो सकदी। यार मैं कोई औखा मसला तो ना बैठा करेंदा ना सारे गल समझ आती पी है ना जदा अल्लाह करीम अल्लाह करीम फरमांदा है जेड़े वेले मई साहबा ने अपनी कमजोरी का अलल ऐलान फरमा दिता कि मैं कमजोर हाँ हाजा बाली शेखा मेरा जेड़ा घर वाला है वह भी बुढ़ा तो कमजोर हो गया है इस वास्ते हुण साढ़े हाँ औलाद भला किवें पैदा हो सकती है। अल्लाह दे पाक पैगंबर की घर वाली ये लफ्ज बोलन की खड़ी आई तो उत्तों अल्लाह करीम फरमा दे इयो तो मसला सा उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह समझावण आई कि लोगो जितों थोड़िया ताकत मुकदियां उत्तों मैं अल्लाह दे असबाब सारे बोलो ना यार लगता तुसा तौहीदी कोई ने है अल्लाह करीम मसला ये समझावना चाहता आई जिथा मई साहबा अपनी जबान नाल इकरार कीता जो आना अजूज मैं बुझड़ी हाँ मैं कमजोर हाँ बच्चा पैदा करन दी मेरे अंदर ताकत मौजूद कोई नहीं ते जेड़ा मेरा घर वाला हाजा बाली शेखा ये भी बुढ़ा ते कमजोर ज़ईफे जेड़ियां ताकत हैं बच्चे पैदा करने वो साढ़े अंदर मौजूद कोई नहीं। अल्लाह फरमांदा है खलो बन आए इथाई मुशरक लुंदे बंदे नु मसला समझावना जेड़ा कबरां दियां रेवड़ियां खा के बन के आदा है जितना ये सुनते पैन इतनी तो वह भी सुन की ताकत नहीं रखता। इथाई अल्लाह करीम फरमांदा है मेरा पाक पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह जदुल अंबिया पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह जिस दी मिल्लत दे उते चलन वाला मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह ओ दादा पैगंबर जदा ओ अपनी आजजी दा अपनी कमजोरी दा अपनी इनकसारी दा अपने उजो न्याज होवन दा ऐलान अल्लाह करीम दे दरबार दे अंदर पै कर दे अल्लाह साडे अंदर ताकत कोई नहीं। उस वक्त अल्लाह करीम ने के फरमाया ओ मियां जित्था तुहाडा इल्म मुक जावे उत्थों मैं अल्लाह दा इल्म शुरू हो वेंदा है जिथे तुहाडियां ताकतां मुक्कन उत्थों मैं अल्लाह दे असबाब शुरू हो वेंदे न। तुहानूं ज़्यादा परेशान होवण दी लोड़ कोई नहीं जे अगर 86 साल दा कीता तां मैं आप कीता जदा असां मरियम दे पेट विचों बगैर बाप दे ईसा पैगंबर नूं बना सकदे आं बगैर किस हील हुज्जत दे आदम पैगंबर नूं बना सकदे आं तो तुहाडी विचों वी असां औलाद पैदा रखण ताकत वी रखदे आं। असां इहे गल्लां मखलूक नूं समझावणियां कि तेरा इतना जबीन मुकद्दस जिंदियां कसमां अल्लाह करी मने चाहिया अल्लाह करीम फरमा दे हर चीज अगर खावे तो मुंह तले करके खावे मगर इंसान तेन मैं हाथ दीते ना अपने कुदरत दे अगर तू लुकमा बना के खा तो उत्तों मुंह करके खा अगर तेरा चेहरा झुके तो एक मैं अल्लाह दे अगू झुके अपने खाने दे अगू तेरा चेहरा ना झुके। हुण कोई गल समझ आई ने मेरे ख्याल खावण वाली गल की ही समझ आई है हर कायनात दा जर्रा जर्रा जितनी भी अल्लाह मखलूकात पैदा फरमाइए हर शाय मुंह तल्ला करके खांदी खलियई मगर जिस मत्था है जबीन मुकद्दस दियां कसमां चाहिए उस आखे अगर ये मत्था कीमती झुके तो सिर्फ मैं अल्लाह करीम दे अगू झुके। इस वास्ते अल्लामा इकबाल ने चलदियां चलांदियां एक जुमला बोले आई आखन लगा मैनू अल्लाह दी जात दी कसम है मैं अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर टोए टहाल के डिठम पूरी दुनिया कंगाल के डिठम जो अज नहीं तोनी कहे कुत्ते कुत्ते दे सामने सिर चुप कर गए हो कदें डिठे ने कोई कुत्ता कहे कुत्ते दे अगू सिर सट्टी खला होवे है कदा ही किसे कुत्ते कुत्ते दे सामने खावण पीवण दे सिर नहीं झुकाया मगर अल्लाह फरमांदा तैनू अशरफुल मखलूकात बनाया है मगर तू सीना ते अपना मत्था केड़ी झा ते बन के टेकी खला है तेरा मत्था मैं इतना कीमती बनाया है हत्ता के एक दिहाड़ मैनू फरिश्ते आखन लगे कि अल्लाह तलवा जहान तो इंसाना दे नाम मुंतकिल कीता उतला जहान साढ़े ना इंतकाल कर दे। अल्लाह फरमांदा खलक तो भैया दईया जिस इंसान नूं मैं अपने रहमत दे दोवे हत्था नाल बनाया है दोवे जहाना दियां सरदारियां भी देसा तो इसे इंसान को देसा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸੱਲੀ ਤੇ ਝੂੜੇ ਤੇ ਪਾਵਲੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੌਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਜਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਉਮਤੀ ਹੋ ਵੈਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥਾਂ ਜੀਂਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੋਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਨ ਕੇ ਧਾਗਾ ਚਾ ਕੇ ਆ ਵਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਥਾਈ ਕੋਈ ਕਿਥਾਈ ਵੱਧ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਵਜੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੜੀ ਸੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਮਸਲਾ ਦੂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਸ ਬੋਲੋ ਔਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਾਲੂ ਅਤਾ ਜਬੀਨ ਮਿਨ ਅਮਰਿੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਆਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਅਜੁਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਤਾਅਜੁਬ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਸਾਡਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਖਲੀਏ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਖਲੀਏ ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਬਾਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਮਾਈਲ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸੂੰ ਇਸਹਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਸੁਫ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਛੋੜੀਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਤੁਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ ਅਲੈਕੁਮ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਨ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝੀ ਵੱਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਪਏ ਹੋਵੇਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਏ ਹੋਵੇਨ ਬਰਕਤ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ ਹੋ ਪਏ ਹੋਵੇਨ ਥੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਜਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲਈਤਾ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਦੈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕਤਾ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਕ ਹਮੀਦ ਮਜੀਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝੀ ਵੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਹੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜ
अपने पाक पैगंबर दे उत्ते के भेज दरूद भेज अपने पैगंबर दे उत्ते सलामतियां भेज हमेशा अपने ईमान नाल दस जे अगर उन्ना जेड़े अगर वो साड़ियां जरूरतां पूरियां कर सकते होंदे तो उन्ना नू आप नू काई जरूरत कोई ना होवेया जदा वो खुद जरूरत मानदे न वो साड़ियां जरूरतां कदे पूरियां कर सकते कोई नहीं इस वास्ते तू उन्ना दे हक दे अंदर दुआ कर रहा है ते अल्लाह करीम दे दरबार विच क्या दा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम अल्लाह उवे पैगंबर मुहम्मद ते दरूद ओ सलाम भेज जिवें तू अपने इब्राहिम अलै सलाम दे उत्ते भेजे हुण देखो जदा खुद असां पैगंबर वास्ते मंग रहे हैं कि नहीं मंग रहे जिस वास्ते खुद मंगिया जा रहा वह किसी का मुश्किल कुशा नहीं हो सकता जिस नूं बरकत की जरूरत है वह भी कदे मुश्किल कुशा नहीं बन सकता क्यों वह खुद बरकत अगर तलब कर रहा है तो कड़ी जात को कर रहा है अल्लाह की जात को अल्लाह करीम के दरबार के अंदर के आख दे अल्लाह दे पैगंबर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद एदी कुरान पाक ने तशरीह इस तरीके नाल फरमाई है थके तो नहीं बैठे इंदे च मेरा कसूर कोई नहीं अलामा साहब जेले आ सिंध मैं थोड़ी जान छोड़े सा ठीक है क्योंकि यह कुदरत का मामला होंगे कि आए हुए मेहमान की हर बंदा इंतजार विच होंगे तो होले डाढ़े जेड़े कुछ दे रहे पचा वजो जी अल्लाह 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 करीम फरमांदा ए मेरा पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करो ऐलान ते सारी कायनात नूं ए मसला समझाओ जिथों आके मुशरक आदमी नूं धक लगा है जिथों आके इंसान की इंसानियत मेरा पैगंबर आके उजड़ी है असल इंसान नूं जिथों धक लगे वह मसला इयो ही है बरकत वाला मेरा पैगंबर जिथों लोग अल्लाह नूं छोड़ के गैर अल्लाह को शुरू की उहदी वजह क्या है मसलन अल्लाह दा पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमा दे तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगो अगर बरकत है तो सिर्फ एक मेरे अल्लाह के नाँ च बरकत है और किसे दे नाँ विच बरकत कोई नहीं दूसरे मकाम दे उते अल्लाह दा पैगंबर के फरमांदा है तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लाह करीम फरमांदा लोगो दबरकात दहिंदा जाते ता सिर्फ कौन है मुशरक नूं मुगालता ही थों लगे तां कढ़ाइयां पका के गिया वधाउंदे दरबारां दे उते या मजारां दे उते मोयां ते जींदियां दे उते तां खीर गिदी वधाउंदे खीरनी ते यारवीं तां चाही वधाउंदे उहनूं पता होंदे हालांकि अल्लाह करीम दा पाक पैगंबर कहिंदा लोगो अगर बरकत आवणी है तां किदों आवणी ने अगर कुरान को मनन वाले हो अल्लाह की जात नू मनन वाले हो अगर मुहम्मद की जात नू मनन वाले हो जड़ा साडा मुहम्मद सही घरों बेघर होया है वतनों बेवतन होया है अपनी बस्ती मक्का शरीफ छोड़नी पइए तो अल्लाह की कसम में मसला ही होई जो पैगंबर के याद आई तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर लोगो बरकत दहिंदा तो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है जदन भी बरकतां दी अल्लाह वालों आदि होर कहें वालों बरकत कद आ सकती कोई नहीं दूसरे मकाम उते के फरमाया तबारक सुमो रब्बिक ज़िल जलाल वल इकराम होर मकाम उते के फरमाया तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा अपने पैगंबर दे उत्ते भी बरकत देवन वाली जात है तो सिर्फ कौन है हत्ता के नमाज दे अंदर भी तू हर नमाज दे अंदर आधा खलौना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा सारे बोलो ना शाबाश व तबारा कसमो का व ताला जद्दो का हर मसले दे अंदर तो इख्तिलाफ मौलवी पा सकता है
मगर ये सुभाना कला तो सारिया की सांझी है कि कोई ना, असा सारिया की नमाज यही कहे। इस दे अंदर बंदा हाथ बन के मस्जिद के अंदर वजू की हालत के अंदर बंदा अल्लाह करीम की अदालत के अंदर कहद है तबारा कसमो रबी का वाला जदू का वला इलाहा गैरुक। अल्लाह करीम नद ए मेरा अल्लाह करीमा मैं तेरी तारीफ कर रहा कि सुबहाना कल्ला हुम्मा वबे हमदे का व तबारा कसमो का। अगर बरकत आवनी है तो किदू आवनी है, क्योंकि पहले पैगंबर आप हाथ बदे के नहीं बदे, बोलो ना शाबाश, पैगंबर आप हाथ बदे ना, ये लफ्ज खुद पैगंबर आप बोलन के नहीं। अगर ये पैगंबर लफ्ज ना बोलेंदा तो साढ़े तक ये पढ़ते हैं ना पढ़ते ना, ना साने कहें मौलवी दे खड़े होए ना किसी पीर दे खड़े होए, बल्कि खुद अल्लाह दे रसूल दे आवाज़ आई, अल्लाह दे पैगंबर दी जबान आई, पैगंबर हाथ बदन अल्लाह दे दरबार विच आखन तो ये जुमले साढ़े तक अपड़न। अगर पैगंबर ना अदा तो ये जुमले साढ़े तक कदे अपड़ दे ना हन। तो इस वास्ते तुसा सारे दा अकीदा क्यों होना चाहिए, बरकत आसी तो किदू आसी अल्लाह वालों आसी, कोई होर दुनिया का बंदा बरकत दे सकदा? नबी उन्हों खुद बरकत की जरूरत है, औलिया अल्लाह इन उन्होंने खुद बरकत की जरूरत है, जेडे खुद जरूरतमंद होवे वह कभी किसी के मुश्किल कुशा हो सकते नहीं। हूँ अगे आओ थोड़ा जहा होर इवें छोटी जी मिसाल है तुम्हें मसला समझा छोड़िए। तुसा आप सब शायद मौलवी थका बैठा है, सिर्फ मैं थोड़े चेहरे देखा पिया तुसा कोई थकावट महसूस कर रहे हो, यह एक कुदरत का निज़ाम होता है कि किस्सा कहानी या किसी बुजुर्ग का कोई वाक्य चलता रहे ना बंदा खुश रहा है, जदन ही अल्लाह की तौहीद बयान होवे ना उस वे थोड़ा थोड़ा तकलीफ होती है, इसको कोई कोई बर्दाश्त करता। खैर बहरहाल मेरा असल मकसद है थोड़ा मिसाल दे दे के जट्टा मसला समझावना, बाकी मौलवी जाने तो मौलवियों का काम जाने। एक अल्लाह दा पाक पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जदन हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल निकाह करा दिता हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, दोवें मियाँ बीवी बकरियां दा रेवड़ घिन के चल पैन। महाज किस्सा नहीं बल्कि जिहड़ी गल मैं तैनू समझाई वह तैनू गल मसला समझावना चाहना कि एक वक्त आंदा है कि पैगंबर दे अंदर इलम भी मुक वैंदा है ते उहदे अंदर ताकत भी मुक वैंदियां, मगर एक अल्लाह करीम की जात जिसका इलम भी नहीं मुकदा ते उहदी ताकत भी कदे मुकण विच आ सकती कोई नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपनी घरवाली नूं लै के बकरियां दा रेवड़ लै के रस्ते दे अंदर चलदे आ रहे, चलते आ रहे सर्दियों का मौसम है, जिस वक्त चलद्या चलद्या रात की तारीख इो जी पै गई है, उस वक्त अल्लाह के पाक पैगंबर ने महसूस किया जो हूँ सानू अगला रस्ता नज़र, सानू अगला रस्ता नज़र। कुरान की आयत नाल मसला तेनों समझाव, अल्लाह करीम दा कुरान पाक दे नारन फकाल लियालिम कुसु इन्नी आनस्तु नार लाली आती कुमिना बेकबसिन अहु अजदु अलन नार हुदा। सूरत ताहा दी आयत तेरे सामने पढ़दा पिया तेनू मसला पिया समझाई दाम के अल्लाह करीम फरमांदा ओ लोगो बड़े तू बड़ा भी क्यों ना होवे या छोटे तू छोटा भी क्यों ना होवे, ओदा इल्म भी मुक सकदा है ओदे कोलो ताकतां भी मुक सकदियां ने। एक अल्लाह दी जात है जेदा इल्म भी नहीं मुकदा ते ओदी ताकत भी नहीं मुक सकती। जदा अल्लाह दे पाक पैगंबर चलते आ रहे हैं तो रात को अंधेरा हो गया है, उस वक्त अल्लाह दा पाक पैगंबर अपनी घर वाली नु आखन लगा इज़रा नारन फकाल लियालिम कुसु इन्नी आनस्तु नार अल्ली आती कुमिना। ओ मई सहबा तुसा इथाई बहुत मैनू अगू महसूस होंदा पै जो कोई अग पई बलदी है, मैं अग नू वेदा पिया ते मैं उत्थों इन करेना बन के अग दा शोला भी तुहाडे सेकण वास्ते चाहना ते उत्थों बन के मैं रास्ता भी उन्हां कोलो मालूम कर राना। मेरी गल समझ आई है? तुहाडे तापण वास्ते मैं अग भी चाहना ते मैं उन्हां दे कोलो बन के रास्ता भी। सारे बोलो शाबाश।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਨ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਨਾ ਇੰਨੀ ਆਨਸ ਦੁਨਾਰ ਅੱਲੀ ਆਤੀ ਕੁਮਿਨਾ ਬੇਕਾਬਾ ਸਿੰ ਆਉ ਅੱਜ ਦੋ ਅਲੰਨਾਰ ਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਈ ਦੱਸੀ ਵਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਗਾਲ ਕੋ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਾਲ ਦੀ ਈ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸ਼ਾਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਨਾਲ ਗਿੱਧੀ ਵਧੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਦਾ ਇਲੀ ਆਨਸਤ ਨਾਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲੀ ਆਤੀ ਕੋ ਮਿਨਾ ਬੇਕਾਬਸ ਲਾਓ ਅੱਜ ਦੋ ਅੱਲਾ ਰੇ ਹੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੋ ਅਲੰਨਾਰੇ ਹੁਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਬੇਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਲਮ ਮੁੱਕਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਗਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਦਾ ਪਏ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਗਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਰ ਪਰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦਸਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅੰਧਾ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਾ ਛੋੜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹਵਣ ਅੱਗ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੂ ਹੈ ਹੀ ਰੰਨ ਦਾ ਦੱਲਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਚਾਹਵਣ ਗਏ ਵਧੇ ਹਨ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਪੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੋ ਅਲੰਨਾ ਰੇ ਹੁਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਵਾਂ